अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो हमारे मैथ के स्टूडेंट्स हैं या कोई भी स्टूडेंट्स हो जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हो उसने मैथ सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं आ रहा। ये कि मैथ टाइप को हम किस तरह अपना मतलब क्वेश्चन टाइप करेंगे उसके बाद किस तरह कॉपी करके हम अपने एग्जाम वाले फोल्डर में जाके पेस्ट कर देंगे उसका क्या तरीकेकार है। सिंपल से अगर आप करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों का पेस्ट नहीं होगा, उसके लिए अलग से एक तरीकाकार है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे मैथ टाइप का हो ठीक है ना, उसके लिए आपने क्या करना है पेपर को यहाँ से ऊपर से मिनिमाइज करना होगा। यहाँ से मिनिमाइज करें आप लोगों की मर्जी है, या नीचे लैपटॉप के सर्च बार में जाके वहां से आप अपना सर्च करेंगे ना, वहां लिखेंगे मैथ टाइप, वहां से ओपन करें आप लोगों की मर्जी। जब आप यहाँ से पेपर को मिनिमाइज करेंगे अपने रफ शीट पे क्वेश्चन नोट करके वहां अपना मैथ टाइप की सॉफ्टवेयर में जाके आप अपना क्वेश्चन करेंगे, जिस तरह मैं ये मैथ टाइप का ओपन कर चुका हूँ सॉफ्टवेयर को। अब यहाँ पे आप लोगों ने करना है मैथ टाइप की सॉफ्टवेयर को ठीक है ना, जैसे ये वाला सॉफ्टवेयर है मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, तो ये वाला सॉफ्टवेयर है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है इस तरह कुछ लिखते जाएंगे और यहाँ पे आप लिखते जाएंगे, फिर आपने इसको अगर कॉपी करना है तो फिर कंट्रोल ए यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से, कंट्रोल ए से सिलेक्ट होगा, कंट्रोल सी से आप कॉपी करेंगे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है पेंट में जाके आप अपना यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल वी करने के बाद फिर आप लोगों ने कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल सी करके आप एग्जाम वाले फोल्डर पे आएंगे, यहाँ पे आके कंट्रोल वी करेंगे, आप यहाँ पे आके कंट्रोल वी करेंगे तो आप लोगों का यहाँ से पेस्ट होगा आंसर ठीक है ना। ये तरीका है मैथ टाइप को में टाइप करेंगे फिर पेंट में जाके डालेंगे, उसके बाद वहां से कंट्रोल सी करके एग्जाम वाले फोल्डर में आके पेस्ट करेंगे तो यहाँ से आपका पेस्ट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो kindly मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शुक्रिया।